आज हम आपको दिखाते हैं कि पंजाब के लोग पूरियों के कितने शौकीन हैं और कैसे पूरियां खाते हैं संडे को। जो भी बिहार वाले तो समोसे खाते हैं, लेकिन पंजाब वाले, लाहौर वाले, अमृतसर वाले, जम्मू वाले पूरियों के कितने शौकीन हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि जगह जगह पर लुधियाना शहर में हर संडे को पूरियाँ बनती हैं और लोग अपनी कोविड-19 में जान को हथेली पर रखकर पूरियों का स्वाद नहीं छोड़ सकते। तो देखिए संडे को आज पूरियां जहां बन रही हैं, हम दिखाते हैं अलग अलग जगह पर कैसे पूरियां बनती हैं और कैसे लोग बड़े स्वाद से इन्हें खाते हैं। मैंने पहले बताया था कि संडे को लोग पूरियां खाने के बहुत शौकीन हैं और देखिए जहां पर ये पहलवान की दुकान है और जहाँ पर लोग पूरियाँ खाने के लिए कैसे कैसे दूर दूर से आते हैं। और देखिए ये सोशल डिस्टेंस भी कहते हैं रुख लो, क्योंकि ये देखो कि मीडिया वाले भी जहाँ पर ये देखिए आए हुए हैं, जहाँ पर जिनके हाथ में देखिए ये देखिए ये पकड़ा हुआ है, ये मीडिया वाले भी इधर घूम रहे हैं। तो मीडिया वाले भी साथ साथ घूम के देख रहे हैं कि ये कोई सोशल डिस्टेंस रखा है या नहीं रखा। और देखिए ये कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। तो देखिए ये पूरियाँ जो हैं, लोग इतनी इतनी पूरियाँ लेके जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, मज़ा आ जाता है खाने से पूरियाँ। और देखिए ये देखिए लोग उनसे पूछने लगे हैं कुछ कि तुमने पूरियाँ खरीदी हैं और घर जाके खाओगे या कहीं पार्क में बैठ के खाओगे या किसी रिश्तेदार के घर जाके खाओगे। और देखिए ये सभी लोग पूरी वाली दुकान है ये, और आगे देखते हैं हम कौन कौन सी पूरी वाली दुकान पे कैसे कैसे काम हो रहा है। जहाँ पर हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया दूर दूर हो जाओ, दूर दूर हो जाओ, लेकिन सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं है। देखिए कितने लोगों को हटाएगा ये, यहाँ से चले जाओ कितने लोग हटेंगे। ये बलदेव की हट्टी है जहाँ पूरियों वाली है और साथ एक दुकान बंद है जहाँ पर पहले पूरियाँ बिकती थी, लेकिन अब जहाँ पर देखे कैसे वो लोगों को कहता पीछे हट जाओ, यहाँ सुबह से मेला लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि जान चली जाए लेकिन पूरियों का स्वाद ना जाए, और पूरियों का स्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं लाइन में लगकर। और देखिए साथ वाली दुकान बंद होने के कारण यहाँ पर डबल रश है आज और लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं पूरियाँ। देखिए ये कितने लोग खा रहे हैं, ये बिल्कुल रश नहीं यहाँ पर, दूर दूर कर रहा है, लेकिन कहाँ तक ये लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कराएंगे। ये पूरियों की दुकान है, मैंने जैसे कहा था पंजाबी लोग पूरियाँ खाने के बड़े शौकीन है और पूरियां खाने के लिए वो अपनी जान को भी बाजी पर लगा रहे हैं। कोविड-19 चल रहा है, लोग घरों में छुप कर बैठे हैं, लेकिन जीव का स्वाद जो है ना, जब आदमी को कहता कि चलो कोई बात नहीं मरना तो है ये, लेकिन पूरियां खा के मरें, और किसी को कोई डर नहीं है, डिस्टेंस का कोई डर नहीं है। लोग पूरियां खाने के लिए सुबह घरों से निकल जाते हैं और पूरियां खा के घर वापस आते हैं। और देखिए जहाँ पर भी ये देखिए जहाँ पर बहुत पुरानी दुकानें हैं, कोई दिखा रहे हैं कहीं देसी घी की पूरियाँ मिलती हैं, कहीं डालडे की मिलती हैं, कहीं अलग अलग जो हमारे जो तेल वगैरह हैं या घी वगैरह हैं उनसे बनी हुई जितनी भी पूरियाँ मिलती हैं लुधियाना शहर में। चलो, और ये बहुत पुरानी दुकान है लुधियाना साहब की, जहाँ पर लोग पूरियाँ खाने के लिए उनकी जीभ लपलपाती रहती है कि संडे आएगा तो पूरियाँ खाएँगे। और हर जितना भी लुधियाना शहर है, जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो ज़रूर पूरियां खाते हैं। और देखिए जहाँ पूरियों के लिए लाइन लगी हुई है, अभी तो डर है सोशल डिस्टेंस का, नहीं तो ये ऊपर के ऊपर चढ़े होते हैं एक दूसरे के। लेकिन हमने एक दुकान देखा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बिल्कुल वहाँ ध्यान नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंस का, और किसी को भी जो कोरोना पॉजिटिव बीमारी हो सकती है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, पूरियों से ज़्यादा जान है या जहान है, पूरियां तो फिर भी खा सकते हैं आदमी जिंदा रहेगा तो। ये है डोगरी का, डोगरी में भी पूरियां खाते हैं लोग। अभी हमने देखा कि जगह जगह पर जो पुराने शहरवासी हैं ना, वो पूरियां खाने के बड़े शौकीन हैं। कोरोना ये जो बीमारी है किसी को नहीं पता था, ऐसी बीमारी भी वर्ल्ड में आएगी, लुधियाना में आएगी, पंजाब में आएगी। ये जो बीमारी आ चुकी है, कहते हैं कि हाथ धोने से, सोशल डिस्टेंस रखने से, मुंह पर मास्क मारने से इस बीमारी से बचा जाता है। लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, ये देखिए सोशल डिस्टेंस का वायलेशन करके ये लोग पूरी खाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं और जहाँ देखते हैं वहीं पर भीड़ लगा कर खड़े हो जाते हैं संडे वाले दिन पूरियाँ खाने के लिए। ये अपनी जान को भी ये जोखिम में डालते हैं कि यार जान चली जाए लेकिन पूरी का स्वाद ना जाए। पूरी का स्वाद खाने के लिए हमारे शहर के लोग जो हैं घरों से निकल पड़ते हैं दुकान पर जाकर, और जो दुकान पर पूरियां बनी होती हैं वो आपको मालूम है कैसा होता है, जो मसाले वगैरह डाले होते हैं उनसे, कोई हींग का तड़का लगाता है, कोई
जीरे का तड़का लगाता है कोई, पता नहीं अलग अलग क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हलवाई लोग ही ज़्यादा जानते हैं, जो जब खाते हैं उनको जीभ पर कैसा स्वाद आता है बता सकते हैं, लेकिन हम तो कभी खाते नहीं है ना हमको पता है कैसा स्वाद होता है इसका। लेकिन जो खाने वाले हैं वो सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं, उनको घरों में रहना चाहिए। अगर यदि ऐसे लोग सड़कों पर निकलते रहे संडे वाले दिन भी पूरी खाने के स्वाद में, तो मैं समझता हूँ ये कोरोना जो पॉजिटिव है एक में नहीं हजारों लोगों में फैल जाएगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।